विधानसभा सत्र के आज तीसरे दिन जो है भाजपा विधायक को निलंबन किया गया। जिस तरीके से जैसे ही निलंबन की बात आई तो वैसे तमाम जितने भी भाजपा के विधायक है वह जो है सदन से बाहर निकल गए और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए वह गए हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों पर जो सत्ता पक्ष है जेएमएम कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से कल 1932 के खतियान पर चर्चा होनी है, आज बजट पर चर्चा हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों ने कहा है सदन से बाहर निकलने। हालांकि जो है दूसरे काल के बाद जो है सभी भाजपा के विधायक जरूर नहीं थे सदन में, लेकिन सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक मंत्री थे वह निकलने के बाद क्या कुछ कहा है सदन से, यह कुछ आप देखिए। नहीं, बिल्कुल अध्यक्ष ने बहुत ही विवेक का इस्तेमाल किया है और इस तरह से बिना मतलब का हाउस को बर्बाद करना ये कहीं सुचित नहीं है। और जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि हर बात में हर समय एक बार उठ के आ जाना सदन में और लोबी में आ जाना, ये अच्छी बात नहीं है कि विधायक सीधे आ जाए वेल में और कोई काम नहीं करने दें। हाउस इसीलिए आमंत्रित होता है कि क्षेत्र की समस्या उठे और उसका समाधान निकले सदन के अंदर। लेकिन अगर ऐसा हर बार हर चीज़ में हर समय खड़ा हो जाना अपनी बात केवल बोल के और बाकी लोगों को बोलने के वक्त जब है जनता की समस्या जब आती है उस समय हंगामा करना और हाउस को बाधित करना, ये उचित नहीं है। कम से कम इससे कम से कम भाजपा को सबक मिलेगा कि सदन को बेवजह बाधित करना उचित नहीं है। आज जो भी अध्यक्ष ने किया है बहुत ही सराहनीय किया है, स्वागत योग्य किया है। मुलाकात के लिए गए हैं, जाना अच्छी बात है, उनका अधिकार है जाए, लेकिन सदन के अंदर सदन को बाधन करने का अधिकार उसको नहीं है। और अगर वो अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल करते हैं, गलत करते हैं, तो उसमें अधिकार को एक्शन लेना चाहिए अध्यक्ष को। और उन्होंने आज जो कुछ भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, सदन को ढंग से चलाने के लिए जो आवश्यक था वो किया गया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जो भी हमारे काम है वो कामों में और तीव्र गति आएगी, तो इसमें क्या दिक्कत हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये तो अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, इस पर मेरे द्वारा क्या टिप्पणी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सदन के महत्वपूर्ण समय को बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये काफ़ी दुखद है। सदन का समय सदुपयोग होना चाहिए, ये विपक्ष के भी हमारे साथियों को समझना चाहिए कि सदन का महत्वपूर्ण समय जाया ना करें और अनावश्यक रूप से सदन को बातचीत ना करें। अब कल जब आएगी तब फिर उस पर बात करेंगे। आज तो लोकसभा में ये हालत है कि नॉर्मल प्रश्न पूछने से लोग सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं और यहाँ पे तो ये लोग ऐसे ऐसे उड़ंडता कर रहे हैं और इतने गलत नारे लगा रहे हैं वेल में आके कि मुझे लगता है आखिर में जो एक संतुलन जो हाउस का संतुलन है वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम में चला गया था और अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही सही कदम उठाया है। और आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा राज्यसभा में 92 से अधिक लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, ये तो पहली बार इतिहास में इतने लोगों को एक साथ सस्पेंड किया गया होगा। और यहाँ से अगर 3 लोगों को इनको सस्पेंड कर दिया गया, वो भी फॉर अ वेरी गुड रीज़न कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे, तो मुझे वो लगता है अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, इनकी जो दवाई है उसी का इनको चखने को मिला है। साथ ही साथ सावित्री फुलेबाई योजना जैसे, समृद्धि योजना जैसे योजनाओं में पहले 2 बालिकाओं को मिलता था, अब सभी बालिकाओं को, परिवार के हर एक बालिकाओं को जोड़ने का योजना जो चलाया है सरकार ने, इन तमाम चीज़ों के लिए अतिरिक्त बजट की निश्चित रूप से ज़रूरत है और उसके लिए इस अनुपूरक बजट को रखा गया है। ये बिल्कुल परंपरा रहा है कि विपक्ष इसमें कटौती प्रस्ताव लाता है, मगर आप लोगों ने अगर लंबोदर महतो जी के भाषण को बहुत करीब से सुना होगा तो वो दो नाव में पैर रख के वो ऐसा लग रहा है वो चल रहे हैं। वो बार बार ये भी कहते रहे कि अतिरिक्त बजट लाने का क्या ज़रूरत है और ये भी कहते रहे कि सरकार बहुत अच्छी कदम उठाई है अबुआ आवास ला के, योजनाओं को दे के, तमाम चीज़ों को करते हुए और अपने भी क्षेत्र के किन्नों को मांगों को उन्होंने रखने का काम किया। तो मुझे लगता है विपक्ष भी एक तरीके से इस बात को पूर्ण रूप से मानती है कि हमारी सरकार कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दे रही है और उसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि एक परंपरा है कटौती प्रस्ताव लाने का, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ ट्रेडिशन उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था। हम जाएंगे तो ये भी आएगी ना बात कि क्यों उनको ऐसा निर्णय स्पीकर को लेना पड़ा, तो हमको तो समावेशी रूप से विचार करना होगा। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रश्नकाल हंगामा काल हो गया है और हम सभी जनता के सवालों को उठाते हैं, जनता के हित की बात उठाते हैं, सरकार जवाब नहीं दे कतरा के भाग जाती है, प्रश्नकाल नहीं होता है, सरकार को सुविधा हो जाती है,
तो हमको कहीं ना कहीं अंकुश सबको अपने ऊपर लगाना पड़ेगा कि दिस फार एंड नो फर्दर, इतना दूरी तक हम जाएं। अगर स्पीकर कोई बात कह रहे हैं तो उसको भी सुनना समझना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को अपने सदस्यों को समझाना बुझाना चाहिए। स्पीकर को अधिकार है, उन्होंने निर्णय ले लिया तो केवल उसी के गुण दोष की हम समीक्षा करें और इसको हम समावेशी रूप में नहीं देखें, ये उचित नहीं होगा। इसलिए जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और हर घटनाएं इसकी दुर्भाग्यपूर्ण। जो माननीय सदस्य होते हैं राज्य हित और जनता के हित में अपनी आवाज़ उठाते हैं और ये उनका विशेषाधिकार है, और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए निलंबित किया है। अब हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से यही आग्रह करेंगे कि जिन विधायकों का निलंबन हुआ है उनके निलंबन वापसी पर माननीय अध्यक्ष महोदय पुनर्विचार करेंगे, ऐसा हम लोग आग्रह करें। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ पूर्व में भी समर्थन दिया और अब आगे भी समर्थन देने का काम करेगी, लेकिन जो संवैधानिक बातें हैं, जो कानूनी बातें हैं, उन सारे अड़चनों को दूर करने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेके सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है, और यही कारण अभी जो विधेयक ला रहा है, ये विधेयक पूर्व में भी पारित हुआ था और पूर्व में पारित होने के बाद ही अटॉर्नी जनरल का कमेंट और फिर गवर्नर का मैसेज जिसमें साफ साफ कह रहा है कि अगर आप जो प्रस्तावित विधेयक है उसके धारा 6(1) का अगर हूबहू लागू करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 सबसेक्शन 2 का सीधे सीधे उल्लंघन होगा। तो अगर सरकार हूबहू लाती है तो फिर जहाँ का तहाँ वही हो जाएगा, वही ढाक के तीन पात, वही स्थिति रह जाएगी। तो पहले सरकार अपनी नियत और नीति स्पष्ट करे, उसके बाद विधेयक लाने का काम करे। और लाइव लगातार के रांची में कौशल को लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।